Hello everyone and welcome back to my channel Step to Study. This is Ria Bishnoi and today in this video we'll be learning about 12 schedules of Indian Constitution. इस वीडियो में आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12 schedules दिए हुए हैं Indian Constitution में, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे. So let us start. Before starting the video, if you like my videos, please like, share and subscribe to my channel ताकि मैं ऐसी और बहुत सारी videos आपके लिए लेकर आऊँ. So in this video हम एक mnemonic learn करेंगे through which we'll be learning all the 12 schedules of Indian Constitution. इस video में हम एक mnemonic के through learn करेंगे जिसके through हम सारे के सारे जो 12 schedules Indian Constitution में दिए गए हैं उनको हम learn करेंगे. तो अगर आप ये video एंड तक पूरा देखेंगे तो आई गारंटी यू कि आपको सारे के सारे 12 स्केड्यूल्स आपको लाइन वाइज इन ऑर्डर, जो सीक्वेंस उनका ओरिजिनल ऑर्डर है उसी ऑर्डर में आपको सारे के सारे 12 स्केड्यूल्स लर्न हो जाएंगे. आई गारंटी यू. सो प्लीज डोंट स्किप द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट. सो देर आर 12 स्केड्यूल्स दिए गए हैं जिनका नेम्स हैं टेरिटरीज, इमोल्यूमेंट्स, अफॉर्मेशन, राज्यसभा, स्केड्यूल्ड एरियाज, अदर स्केड्यूल्ड एरियाज, फेडरल स्ट्रक्चर, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, लैंड रिफॉर्म्स, डिफेक्शन, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज. अब इसको इन्हीं जो ऑर्डर दिया है इसी ऑर्डर में हम लर्न करेंगे. सो द निमोनिक फॉर टूडे इज टीयर्स. सो द निमोनिक फॉर टूडे इज टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम. सो आज का जो निमोनिक है जिसके थ्रू हम सारे के सारे स्केड्यूल्स लर्न करेंगे वो निमोनिक क्या है, आपको सिर्फ ये लर्न करना है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम. इसके थ्रू आप सारे के सारे जो 12 स्केड्यूल्स हैं उसको इजीली लर्न कर सकते हैं. सो TEARS टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम. सो टी से टेरिटरीज, ई से इमोल्यूमेंट्स, ए से अफॉर्मेशन, आर से राज्यसभा, एस से स्केड्यूल्ड एरियाज. तो और जो सीक्वेंस वाइज है उसको हम फर्स्ट स्केड्यूल, सेकंड स्केड्यूल, थर्ड स्केड्यूल, फोर्थ स्केड्यूल, फिफ्थ स्केड्यूल, ये इसी ऑर्डर में हम लर्न कर रहे हैं. देन ऑफ का ओ से अदर स्केड्यूल्ड एरियाज, एफ फेडरल स्ट्रक्चर विच इज पार्ट स्केड्यूल 7, ओ इज ऑफिशियल लैंग्वेजेस. ध्यान रखिए जो फर्स्ट ओ है, ऑफ का ओ है, दैट इज अदर स्केड्यूल एरियाज एंड द अदर ओ इज फॉर ऑफिशियल लैंग्वेजेस 8 स्केड्यूल. देन एल इज फॉर लैंड रिफॉर्म्स 9 स्केड्यूल, डी इज फॉर डिफेक्शन 10 स्केड्यूल, पी इज फॉर पंचायत 11 स्केड्यूल एंड एम इज फॉर म्यूनिसिपैलिटीज 12 स्केड्यूल. सो एक छोटी सी एक ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम. सो टी इज फॉर टेरिटरीज, ई इज फॉर इमोल्यूमेंट्स, ए इज फॉर अफॉर्मेशन, आर इज फॉर राज्यसभा, एस इज फॉर स्केड्यूल एरियाज, ओ द फर्स्ट ओ इज फॉर अदर स्केड्यूल एरियाज, एफ इज फॉर फेडरल स्ट्रक्चर, ओ इज फॉर ऑफिशियल लैंग्वेजेस, L is for land reforms, D is for defection, P is for panchayats and M is for municipalities. So there are 12 schedules जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आप बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम गलत आंसर. सो अगर आप ये छोटी सी ट्रिक लर्न कर लोगे तो आई एम श्योर कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि 12 के 12 स्केड्यूल्स कैसे लर्न करने हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. सो बहुत इजी सा निमोनिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम. टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, प्लीज रिपीट इट अगेन एंड अगेन, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम. इसके थ्रू आप 12 के 12 स्केड्यूल्स बहुत ईजिली लर्न कर लेंगे, आई गारंटी यू. टी, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, टी इज फॉर टेरिटरीज, ई इज फॉर इमोल्यूमेंट्स, ए इज फॉर अफॉर्मेशन, R is for Rajya Sabha, S is for Schedule Areas, O is for Other Schedule Areas, F is for Federal Structure, O is for Official Languages, L is for Land Reforms, D is for Defection, P is for Panchayats and M is for Municipalities. और जो ये order है, जो spelling के order है, उसी order में इनके schedule number भी दिया हुआ है. So first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, 11th and 12th, ये इसी order में इनका
नंबर भी दिया हुआ है, स्केड्यूल नंबर। सो आई होप आपको ये डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा, बिकॉज एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल टेरिटरीज का क्वेश्चन ले लेते हैं। टेरिटरीज एज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्केड्यूल। सो आपको ए बी सी डी ऐसे फोर पार्ट्स दे दें, 3, 5 और 9 टेरिटरीज कौन से। सो टेरिटरीज कौन से स्केड्यूल में लाई करती है, स्केड्यूल 1, स्केड्यूल 3, 5 और 9। सो करेक्ट आंसर इज स्केड्यूल 1। सो स्केड्यूल 1 इज ऑल अबाउट द टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज। ओके, ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग्स बिलोंग टू द स्केड्यूल 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 9 स्केड्यूल में इनमें से कौन सा लाई करता है। फर्स्ट इज ए पार्ट इज ऑफिशियल लैंग्वेजेस, बी पंचायत्स, सी लैंड रिफॉर्म्स एंड डी राज्यसभा। इनमें से कौन सा स्केड्यूल 9 में बिलोंग करता है, स्केड्यूल 9 में लाई करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सो लैंड रिफॉर्म्स, देखो 9th नंबर पे अगर हम देखें, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, अगर इसको हम लर्न करके लिखेंगे तो 9th पार्ट क्या आ रहा है, एल इज फॉर लैंड रिफॉर्म्स, इट इज फॉर लैंड रिफॉर्म्स। 9th पार्ट इज फॉर लैंड रिफॉर्म्स। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको पूरे के पूरे जो 12 स्केड्यूल्स हैं वो इजीली लर्न हो गए होंगे, बिकॉज इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हर बार पूछते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एंड आंसर्स हमें नहीं आते होते और बहुत कंफ्यूजिंग उनके आंसर्स दिए होते हैं। सो आई होप इसके बाद में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी और आप बहुत अच्छे से आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो ऐसी और भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, अगर आप मेरे चैनल पर जाके देखेंगे तो देयर इज अ ट्रिक फॉर हाउ टू लर्न द स्टेट्स दैट लाइज ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो इंडियन स्टेट्स के लिए भी एक निमोनिक है, जो इंडियन स्टेट्स है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन कौन सी स्टेट्स लाई करती है, उनके लिए भी निमोनिक है। देन कंट्रीज थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड इक्वेटर पासिस, उसके लिए भी मैंने एक निमोनिक तैयार किया है। सो आप प्लीज मेरे चैनल पे जाके देखिए, आपको सारे के सारे वीडियोस वहां पर मिल जाएंगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।